कि सोनीपत के बारे में लिखूं तो मेरी कलम की स्याही भी खत्म हो जाएगी। घूम लियो मुंबई दिल्ली कलकत्ता, पर सोनीपत आड़े की तो पहचानने न्यारी पाओगी। सीधी मुद्दे की बात करूं तो मेरा सोनीपत सब तन्यारा है, ना गुलाम बन के जितते आड़े और सब में दिखा भाईचारा है। सोनीपत के खपीटर कह दिया करें और टाइम आने पर शामी आड़े के मुँह तोड़ दिया करें, और जस लौटना हो प्यार दें के जस लौटना हो प्यार दें तो सारा मैटर प्यार के दो शब्दों में सुलझा दिया करें। मुरथल का पराठा खाना हो के मुरथल का पराठा खाना हो, अच्छा खाने हो गुआना की जलेबी, एक बार विजिट जरूर करियो सोनीपत में, क्योंकि आड़े ते शुरुआत हो है असली दिला की चाबी। खेला में सब त्यागर है ना, और एक इंसान आड़े समाज सेवाड़ा भी पैदा होया। जब जब मुसीबत पड़ी यार पै तब सब त्याग एचआर 10 आड़ा पाया। बस दुआ करूँ हूँ ऊपर आड़े तक के अगला जन्म सोनीपत में मिल रहा है, और वह लाडली मेरी माँ, और वह परिवार, और वह एचआर 10 आड़ी पहचान मिल रहा है, वह एचआर 10 आड़ी पहचान मिल रहा है। तो लास्ट पोएट्री एक कि जो बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं जो समझती है कि हर एक लड़का जिस्म का भूखा होता है, तो ये उनके लिए लिखी थी मैंने। कि हर टाइम तेरी इज्जत करी, के हर टाइम तेरी इज्जत करी, और आज तने मेरे पे कीचड़ उछाल दिया। अरे वाह मैडम, तने तो आज हर एक छोरा जिस्म का भूखा मान लिया। रिश्ते में थोड़ी नोक जोक हमने भी होती देखी है, पर शायद तने एक छोटी सी बात पे मुंह फुलाने की आदत हो रही है। इज्जत आज भी वाह है मेरी नजरा में तेरी, के इज्जत आज भी वाह है मेरी नजरा में तेरी, मैंने तेरी इज्जत करने से पहले अपने घर में भी माँ बहन देखी है। शायद तने वो ही लड़का पसंद है जो सिर्फ तेरे जिस्म का भूखा है। अरे एक बात सुन ले मैडम, इज्जत करनी सीखी है, कदे दिमाग में ना यह बात कि लड़की सिर्फ एक मौका है। यह बात सिर्फ तेरी ना है, तेरे जैसी और भी मिल लेंगी। लास्ट में ध्यान तो सुने एक बार कि यह बात सिर्फ तेरी ना है, तेरे जैसी और भी मिल लेंगी। हाथ जोड़ के विनती करूँ हूँ कि मत सोचो सारे लड़कियाँ ने एक जैसा, क्योंकि कुछ लड़के की नज़र में आज भी छोरी की इज्जत मिल लेगी। शुक्रिया।